जिला हमीरपुर के सिंथेटिक ट्रैक में राज्य स्तरीय इंटर एथलेटिक्स प्रतियोगिता के लिए खिलाड़ी पसीना बहा रहे हैं। वही प्रतियोगिता के लिए सिंथेटिक ट्रैक पर तैयारियां जोरों शोरों से चली हुई है। यह राज्य स्तरीय इंटर कॉलेज एथलेटिक्स प्रतियोगिता 19 नवंबर से 21 नवंबर तक आयोजित की जाएगी। प्रतियोगिता में पूरे प्रदेश भर के 50 कॉलेजों के एथलेटिक्स खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। एथलेटिक कोच भूपेंद्र सिंह ने बताया कि प्रतियोगिता का शुभारंभ 19 नवंबर को CPS इंद्रदत्त लखनपाल द्वारा किया जाएगा और समापन 21 नवंबर को आपदा प्रबंधन बोर्ड के उपाध्यक्ष राजेंद्र राणा द्वारा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता के लिए खिलाड़ी दिन रात तैयारियों में जुटे हुए हैं। वहीं उन्होंने बताया कि जिला हमीरपुर से 30 लड़के और लड़कियां भाग ले रहे हैं। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय एथलेटिक्स प्रतियोगिता जो है यहाँ 19 से 21 नवंबर तक आयोजित हो रही है। इसमें प्रदेश के लगभग 40 से ज़्यादा महाविद्यालय भाग लेंगे और इस प्रतियोगिता में लगभग 40 इवेंट जो हैं उन पे मुकाबले होंगे। तक रिले, शॉटपुट, डिस्कस, हैम्बर, जेवलिन, लॉन्ग जंप, हाई जंप और पोल वाल्ट, जो जितने भी जंप होंगे वो सब इसमें होंगे। शुभारम्भ जो है वो CPS इंद्रदत्त जी लखनपाल कर रहे हैं और इसका समापन समारोह जो है वो आपदा प्रबंध बोर्ड के जो चेयरमैन राजेंद्र राणा जी कर रहे हैं। ऐसे तो इसमें कोई 400-500 बच्चा भाग लेता है और 40-50 से ऊपर कॉलेजेस होते हैं, पर इस बार जो रूसा के एग्ज़ाम है उनको लेके जो प्रैक्टिकल जो है बीच में शुरू होने जा रहे हैं, तो उसको देखे हो सकता है थोड़ा पार्टिसिपेशन कम हो। इसके अलावा 20 लड़के और 10 लड़कियाँ भाग ले रहे हैं और पिछले 25 वर्षों में हम 20 बार इसके चैंपियन हैं। वहीं दूसरी ओर प्रदेश में रूसा प्रणाली लागू होने के चलते खिलाड़ियों के कम जुटने की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि इस बार छात्र रूसा प्रणाली सेमेस्टर सिस्टम से परीक्षा होने से कम ही राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में हिस्सा ले पाएंगे। के चैनल के लिए हमीरपुर से अवरिंदर सिंह की रिपोर्ट।